रोज बाइक की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं FirstByte.tv। तेजी से उभरते हुए बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह ने आज आत्महत्या कर ली। बांद्रा स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी की। सुसाइड की वजह अभी साफ नहीं हुई है, यह जांच में ही पता चलेगा। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ माह से वह डिप्रेशन में चल रहे थे। करीब एक सप्ताह पूर्व ही उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। बताया यही जा रहा था कि दिशा ने भी आत्महत्या की है। सुशांत द्वारा एकाएक ही आत्महत्या जैसा कदम उठाए जाने से जिसने भी सुना वह अवाक रह गया। इस उम्र में इतना बड़ा और घातक कदम कोई कैसे विश्वास कर सकता है। देश के सभी भागों में रहने वाले तमाम लोगों ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। अभी न्यूज मिली दैट सुशांत सिंह राजपूत इज नो मोर एंड ही हैज कमिटेड सुसाइड। बहुत बड़ी ट्रेजेडी जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि इतना अच्छा, अमेजिंग, सक्सेसफुल एक्टर और इतनी ग्रोथ की थी फ्रॉम सीरियल्स टू मूवीज, और कोई एज सच कॉन्ट्रोवर्सी नहीं दिख रही थी, न्यूज़ में नहीं आ रही थी, एंड उसके बाद भी ये न्यूज़ मिली दैट सुसाइड किया है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और ज़्यादा चीज़ क्या कनेक्ट हो पा रही है फ़िलहाल कि उनकी आई गेस एक्स मैनेजर जो थी, शी ऑल्सो कमिटेड सुसाइड, और सुशांत सिंह राजपूत ने भी सुसाइड कमिट किया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, बहुत डिस्टर्बिंग है। एंड आई होप सुशांत सिंह राजपूत्स सोल रेस्ट इन पीस। थैंक यू सो मच। नमस्कार, अनुभूति चौहान। अभी न्यूज़ में देखा एक बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह को हमने खो दिया है। बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे वो, बहुत कुशल अभिनेता थे। एक बहुत बड़ा लॉस है फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा एक बात मैं कहना चाहूँगी, क्या परेशानियाँ हमें इतनी ज़्यादा हावी कर लेनी चाहिए अपने ऊपर कि हम अपनी जान भी दांव पे लगा दें? जान है तो जहान है, ज़िंदगी को भरपूर जीना आना चाहिए। जिस तरह से रात के बाद दिन होता है, अंधेरी रात के बाद सूरज चमकता है, तो परेशानियों के बाद भी तो एक खुशियों भरा उजाला होता है सबकी लाइफ में। तो हमारे यंगस्टर्स, टीनेजर्स, या जो लोग मानसिक रूप से थोड़े से कमज़ोर हैं, जो नहीं झेल पाते हैं टेंशन्स, परेशानियों को, उन सब के लिए मेरा एक मैसेज है कि घबराएं ना परेशानियों से, ज़िंदगी को जीना ही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। बेहद दुख हुआ है, एक के बाद एक हम अच्छे को खोते चले जा रहे हैं अपने फिल्म इंडस्ट्री या और लोगों को। वैसे ही 2020 है, कोविड का साइड इफ़ेक्ट है, लॉकडाउन का साइड इफ़ेक्ट है। लेविश लाइफ जीने वालों को, जो जहाँ तक समझ पा रहे हैं या पर्सनल इमोशंस के थ्रू जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी, बी बोल्ड। भगवान ने हमें धरती पर ज़िंदगी को जीने के लिए भेजा है। आंधी आए, तूफान आए, परेशानियाँ आए, कुछ भी आए, हारना नहीं है। इसका सोल्यूशन सुसाइड अटेम्प्ट नहीं होता है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उम्दे कलाकार और एक इंजीनियर क्वालिफिकेशन से आज उन्होंने सुसाइड कमिट करा है, जो कि बहुत दुखद है और सब लोगों का उसका बहुत ज़्यादा दुख है। आजकल की हमारा जीवन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, उस फास्ट जीवन में हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन गए हैं, और कहीं ना कहीं उन एम्बिशंस अगर हमारी पूरी नहीं होती हैं, उसकी वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं और कभी कभी ये कदम उठा लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें ये सोचना चाहिए कि ये सारे एम्बिशंस ही सब कुछ नहीं है। हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स भी बहुत कुछ हैं, जिन लोगों ने हमें इतना बड़ा कराया और किसी काबिल कराया। अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं लाइफ में, बट उन अप्स एंड डाउन्स के चक्कर में हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कि पूरी जिंदगी के लिए, सब लोगों के लिए जहर बन जाए। सुशांत सिंह राजपूत, अ ब्रिलियंट एक्टर बाय प्रोफेशन and an engineer by qualification, has committed suicide today. It is very disheartening to see such young people, such a young actor has committed suicide. You know, it may be due to some stress, or maybe he might be in some depression. But what I believe, you know, he should have given a thought
about he should have thought about his parents, about his relatives, because this life is very precious, and we should, you know, I just want to say that we should not run towards this glitter. We should be happy in whatever we have. हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ हम लोगों के बीच में आई है कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक अभिनेता थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये बहुत ही हॉरिबल और शॉकिंग न्यूज़ है जो आज सुनने में आई है, और रीज़न तो नहीं पता है कि उन्होंने क्यों सुसाइड किया है, पर जो भी उन्होंने किया बिल्कुल ठीक नहीं किया, क्योंकि ये कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है इस बीच में अगर कोई ऐसे सुसाइड करता है तो और लोग जो कि इस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं तो उन पे इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो पता नहीं क्या रीज़न था, किस स्ट्रेस में उन्होंने सुसाइड किया, ये तो नहीं पता है। लेकिन क्योंकि सेलिब्रिटीज़ और ये टीवी आर्टिस्ट, ये सब हमारे मेंटोर होते हैं, हम इनको फॉलो करते हैं, तो इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए, वो भी इस टाइम पे। तो रियली इट्स वेरी शॉकिंग। और वो एक उभरते हुए कलाकार तो थे ही, साथ ही उनकी इतनी सुपरहिट, एक के बाद एक सुपरहिट मूवीज़ आई हैं, तो ये बहुत ही शॉकिंग है हम सब के लिए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति दें। थैंक यू। ये खबर आई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि एक ऐसा इंस्पिरेशनल एक्टर, एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड मोटिवेशनल पर्सन सुसाइड कर सकता है, जिन्होंने अपने करियर यानी इंजीनियरिंग में अपना फुल स्विंग बेस्ट दिया, और जब उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, मीन्स जब वो बॉलीवुड में आए तो भी यूथ के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक के बाद एक करके उनकी हिट फिल्में सामने आईं, जैसे कि केदारनाथ, महेंद्र सिंह धोनी, छिछोरे, जिसमें खुद उन्होंने एक मोटिवेशनल मैसेज दिया है कि अगर कहीं भी जिंदगी में एक बार हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई, हमेशा हमारे पास दोबारा शुरू करने का मौका होता है। और इस तरह से आज ये खबर मिली कि इतनी कम एज में, सिर्फ 34 ईयर्स में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और वो भी इस तरह से सुसाइड करके, तो ये वास्तव में आत्मा को झिकझोर देने वाला एक खबर है। मैं इस बारे में बस यही कहना चाहती हूं कि शायद कभी हमने सोचा भी नहीं होगा जो खबर आज हमें मिली है, कुल टूट गया है एक के बाद एक इस तरह से। पहले इरफान खान जी का जाना, फिर ऋषि कपूर जी का जाना, फिर वाजिद जी का जाना, और अभी सुशांत सिंह राजपूत, एक यंग टैलेंट, एक यूथ ब्रिलियंट एक्टर जो कि हमेशा यूथ को मोटिवेट किया करता था, वो हमारे बीच में से चले गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हों भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की हिम्मत दें। उन्होंने साल 2013 में काई पोचे फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। 34 साल के सुशांत सिंह ने 11 फिल्मों में काम किया। उनकी ज्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खासी कमाई की। एमएस धोनी, छिछोरे, काई पोचे, पीके जैसी फिल्मों ने भी खूब पैसा कमाया था। फिल्मों में आने से पहले वे टीवी पर काम करते थे, यहाँ पर भी उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की थी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।